कि आ गई बच्चे की नानी। दस के बाद ही होगा, सही होगा। हाँ यार, तुमको भी पता है, तुम भी मामा बन गए। धन्यवाद। रात भर सोई नहीं है यार, टेंशन हो गई। कहा अंदर बैठो। अरे कल तो आपको एक बात बताऊं? बता दो, आप दीदी बन गए। पता है क्या, छोटू छोटू छा भैया हुआ है। पता है आपको, छोटा अच्छा भैया कहाँ हुआ है? दिन में के अभी बज रहे हैं 11 और मेरी बेटी अभी उठ रही है, तो मैं वेदू को खुशखबरी दे रही हूँ कि वेदू अब बड़ी हो गई है। वेदू के होने के बाद से ना आज हुआ है इसका भैया या बहनी कोई भी ना, मतलब वेदू सबसे छोटी है भाई बहनों में यहाँ, तो आज वेदू का पद बहुत ही बड़ा बन गया है। वेदू बन गई है दीदी, छोटा छोटा भैया हुआ है ना। बहनी बुआ का ना बब्बू हुआ है, छोटा छोटा वाला यार। हाँ, अभी दादी के पास जाएगा ना, दादी बधाई हो आपको कहेगा। हाँ ठीक है, आप सभी को मेरा प्यार भर नमस्कार। मेरा नाम है रूपा सिवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के एक सुंदर से गांव रामगढ़ से, तल्ला रामगढ़ से। और मैंने अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रखी है दिन में के 12 बजे से। तो दोस्तों, आज सुबह से ही मौसम बहुत ही अच्छा हुआ था, सुबह से बहुत ही ज़्यादा बारिश लगी हुई थी और अभी जो है बारिश बंद हुई है। और मैं आई हूँ बाड़े की तरफ को और चाची के घर के बगल में ही हूँ मैं अभी। और आप लोगों को मैंने बताना था कि हमारे वहाँ जो है एक नन्हा सा मेहमान आया हुआ है, हमारी जो चाची है ना, ये वाली चाची, उनका जो है पोता हुआ है, मतलब उनकी बेटी का बेटा हुआ है। तो बहनी और उनको भैया को, मतलब जमाई राजा को बहुत 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 बधाई हो कि उनका प्यारा सा बेटा हो रखा है, क्यूट सा, छोटू छोटू सा हम लोगों ने देखा। बहनी तो अभी ICU में है क्योंकि उनका बेबी सिजेरियन हुआ है, तो वह अभी ICU में ही है। बोल रही थी मैं तो मिली भी नहीं हूँ बेबी से, लेकिन हम लोगों के पास वीडियो आई थी तो बहुत ही क्यूट लग रहा था वो, लग रहे थे मतलब हमारे तो भांजे हुए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह चाची को लिया जाए। और सुबह चाची खुश भी थी, रात को ही चाची का मुझे फ़ोन आ गया था, 2-3 बार फ़ोन आया। जब ऑपरेशन के लिए जा रहे थे तब भी फ़ोन करी थी, कह रही थी यार उसका ऑपरेशन हो रहा है, वो टेंशन होती है ना मम्मी हुई, और यहाँ अकेले भी है चाची। और सुबह से मतलब जितनी बार उसको याद आ रही है, जब से बहनी का बेबी होने वाला था तो वो याद कर रही थी चाचा को। अगर हमारे चाचा होते अभी उनका खुशी का लेवल ही कुछ अलग होता ना। तो जो सुबह जिस समय हुआ उस मतलब रात को भी बोल रही थी, और जब सुबह हमारे घर आई थी वो बोल रही थी मेरे को फ़ोटो दिखा करके उसकी, तो तब बोल रही थी चाचा होते तो कितना खुश होते, अभी तक मिठाई लेके आते, ये वो ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो आँखों में आंसू ले आई बेचारी। तो याद तो आती है हर किसी को, और ऐसी बहनी को भी आ रही होगी, लेकिन सब लोग तो हैं ही अभी उन लोगों के साथ। और हाँ, बुआ के बेटे और चाचा के जो है बड़े वाले बेटे वहाँ हॉस्पिटल में थे शायद रात को उनके साथ। तो अभी जो है चाची गई हुई है घास वास काटने के लिए, क्योंकि सुबह से बारिश लगी हुई थी लगातार, और अभी थोड़ा बारिश बंद हो रखी है। बाड़े की साइड के आड़ू आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। और अभी मैं वेदू को दे के आई हूँ बगल में संजू को। तो अभी जब चाची आएगी फिर उसके बाद मैं वीडियो कॉल में बात भी कराऊंगी बहनी लोगों की। तो आप लोग बने रहिए व्लॉग में और एंजॉय कीजिए व्लॉग को। तो अब आ चुकी है हमारी चाची घर में और ले चलती हूँ आप लोगों को भी वहीं। खाना बना रही है, खाना डरना मत, हाँ डरना मत, कहा कमला दी है यार, कैसी है जा तो हे, अरे वो खिचड़ी खाने के लिए जैसा आ गई। जी तेरा कितनी बड़ी, सुन तो तू आज क्या बनी है, कहा मैंने सुबह कटोरी ला, वो कटोरी ले। सुन सुन पहले बताना बाबू तू क्या बनी है आज। मैं
दीदी बन गए। क्या हुआ है बता, क्या हुआ है बता। तो भैया देखने आएगी तो पापा से बोलना है, मैं भैया देखने जाऊँ कहना है। दोस्तों शाम के बज चुके हैं आपका 3 और हम लोग अभी बाहर से बैठे हुए हैं। दिन में मैंने बारिश होने के कारण मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मतलब जब मैं चाची के यहाँ गई थी उसके बाद मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं करा, क्योंकि ऐसा कुछ खास है भी नहीं दिखाने के लिए। जो बात आपको बतानी थी मैंने वो बता दी थी, मतलब गुड न्यूज़ जो बतानी थी वो बता दी थी। उसके बाद वहाँ से आए, नीचे कमरे में सोए और पवन पहाड़ी जी का व्लॉग देखा, क्योंकि आजकल तो बहुत मतलब ज़्यादा ही अच्छा लगने लग गया है। पहाड़ी बाखली में जब वो थे तब तो ठीक ही था, जब से उनकी वाइफ आई है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, और ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में ना, क्योंकि वो दोनों बड़े अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। तो आज उन्होंने मतलब बहुत सब चीज़ें बताई, उनका था आधे घंटे का व्लॉग था शायद, हाँ आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा का ही था। तो उसमें वो सब बता रहे थे, क्योंकि बहुत लोग मजाक उड़ा रहे थे ना कि मतलब शादी होने के बाद हल्द्वानी को आ गया करके ऐसा वैसा, तो सब कुछ वो बताने में लगे हुए थे। तो बहुत अच्छे लगते हैं यार, मेरे को तो दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। तो वही आधे घंटे तक मैं उनको देख रही थी, बीच बीच में महारानी जी का कुछ ना कुछ चलते रहता है, इनको भी देख रही थी। और इनकी इनका हुलिया देखो, कोई सुबह भी ऐसी थी अभी भी ऐसी है। इसको पूरा पी, इसको दूध दिया है मैंने पीने को और मैं पी रही हूँ चाय, आप लोग भी पी लीजिए चाय। और आप लोग अगर कोई देखते होंगे कमेंट करके बताना मुझे कि कैसे लगती है करके पवन पहाड़ी की वाइफ ना, और डांस भी बहुत अच्छा करती है मैंने देखा ना, मतलब अब वो डांस वाली रील वाली वीडियो भी डालते हैं ना वो अपने चैनल पे, और उसमें भी क्या बोलते हैं उसका नाम इंस्टाग्राम पे भी, तो बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत ही अच्छा डांस भी करती हैं वो। तो ऐसा है, और अभी जो है मौसम खुल, थोड़ा सा मौसम खुल गया देखो, मतलब रामगढ़ साइड तो हल्के बादल लगे हुए हैं लेकिन खुल गया है। तो अभी देखते हैं शाम के टाइम में खाना वाना क्या बनाते हैं। यहाँ तो कुछ सब्ज़ी नहीं आ रही है यार नीचे को ना, मतलब कुछ भी नहीं रामगढ़ में। तो ये बोल रहे थे आज पनीर भेज दूंगा करके, कल मैंने आलू टमाटर बनाई, परसों दुकान में से क्या भेजा था इन्होंने, इन्होंने बोला उस दिन अंडा करी बना देना, क्योंकि कुछ चीज़ें होती नहीं है, वही चीज़ें जो हमारी दुकान में है फिर वही बनाना पड़ता है, नहीं तो बचा खुचा आलू टमाटर बनाना पड़ता है मुझे। तो उन्होंने बोला मैं नहीं खाऊंगा आलू टमाटर। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं आपका 5:30 और अभी मैं लेके आई हूँ सब्जी जो कि पतिदेव ने दुकान से भेजी हुई थी, और कुछ कुछ सब्जियाँ मिलती हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज मिली है लौकी, क्या सब्जी है मतलब वो भी लौकी मिल रखी है, और उन्होंने भेजा है आज बनाने के लिए पनीर, उन्होंने कहा आज के खाने में पनीर बनेगा। और हमारी ककड़ी की बेल कुछ यहाँ तक पहुँच चुकी है, मैंने अभी जो है थोड़ी देर पहले ये सारे कपड़े धोए, और मौसम अब बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो गया है बारिश होने के बाद, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अभी जो है मैं सोच रही हूँ अपने बाड़े में जाऊँ, वहाँ जाके रील बनाऊँ मैं, चाची लोग देखते हैं ना मुझे फिर अजीब सा लगता है बड़ा, तो कोशिश कर रही हूँ कि जाऊँ एक बार, इसलिए मैंने लिपस्टिक लगाई है। और ये मेरे फ़ोन में सेल्फी वाले कैमरे में थोड़ा रेड ज़्यादा ही लग रहा है, मैंने इतना ज़्यादा नहीं पोता है, मतलब थोड़ा थोड़ा लगाई है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही रेड कर दिया है इसमें। तो अब चलेंगे बाड़े में फिर बनाएंगे रील, तब तक पहले पनीर वगैरह सब ऊपर रखाते हैं ठीक है। तो मैं आई हुई थी बाड़े में रील्स बनाने के लिए, और मुझे यहाँ दिखे जो मैंने लगाए हुए थे ना कुछ टाइम पहले पिनालू, वो होने लग गए हैं थोड़ा बहुत, तो आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। देखो ये जो छोटे छोटे ये दिखाई दे रहे ना, ये सब पिनालू हैं। तो कुछ कुछ मेरी ये वाली मेहनत भी रंग ला रही है, देखो ये भी है, हाथ तो नहीं लगाना चाहिए मुझे ऐसे, पर मैं लगा रही हूँ। और कहाँ पे है ये, चलो भगवान करे हो जाए और क्या। और यहाँ देखो दोस्तों इसके साथ मुझे गुड़ाई करनी पड़ेगी, छोटी छोटी मक्का होने लग गई है, अब इनके बड़े होने का वेट करना है मुझे, क्योंकि हम लोग दवा वगैरह तो कुछ डालते नहीं है, तो इन पत्तों में कीड़ा लगने लग गया ना। तो ये देखो मक्का हो रही है यहाँ पे, इसको देखो तो इसी तो कहो ही मत। और ये सबसे लास्ट वाला आड़ू है हमारे यहाँ का, जो आपको पेड़ों में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है ना, मैं तो चल बेटा यहाँ को आ जा। हाँ कल चाची ने इस वाली खेत में से बीन तोड़ी थी, तो चाची के साथ बीन साफ करी थी हम लोगों ने, ये वाली खेत की बीन। आ रहा है आराम से आना, तूने क्या भरा है इसके अंदर। तो मैंने तो लगा लिए हैं शाम के टाइम में प्यारे प्यारे से फूल, कुछ कुछ फूल लगाए मैंने। और आज चाची के यहाँ से मैं गुलाब की कटिंग लेके आई थी, और अपने यहाँ के कुछ कुछ फूलों की कटिंग जो है मुझसे मांगी है मैनेजर रोहित दा ने। तो कुछ फूल ये हैं जो ऊपर के थे यहाँ पे,
दिखाई नहीं देंगे क्योंकि मैंने जो लंबे लंबे हुए थे वो मैंने सब कट कर दिए, और कुछ फूल यहाँ के हैं। तो ये देखो मैंने ये नया वाला गुलाब लगाया है, देखती हूँ ये यहाँ होता है नहीं होता है, दिखे भी तो ये है। देखो ये चाची के वहाँ का है, और भी बहुत सारे फूल इधर को लगाए। तो यहाँ बैठती फोन पूजा इसमें रखे हैं, देखो मैंने इतने सारे हैं। अब इसमें से उनकी किस्मत है, क्या होंगे ठीक हो गया नहीं होंगे तो फिर क्या ही कर सकती हूँ ना मैं। तो ये वाले वो है ना जो कहीं पे गिरेंगे भी तो लग जाएंगे, ऐसे फूल हैं ये, कितने अच्छे से रखे मैंने अलग अलग पन्नियों में। तो कुछ इतने फूलों की कटिंग जा रही है, और यहाँ पर ये फूल भी बहुत अच्छे हुए हैं मेरे। एक फूल ये वाला भी रखा है मैंने, इसमें यहाँ पे है तो आए नहीं आए पता नहीं, वो मेरा सामान भी लेके आ रहे थे ना कुछ, अभी तक नहीं आए शायद।